हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे हम काले लिनक्स 2022.2 के अंदर गूगल क्रोम को इंस्टॉल कर सकते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, काले लिनक्स 2022.2 के अंदर फायरफॉक्स है वो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र आता है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, उसमें हम गूगल क्रोम को इंस्टॉल करेंगे साथ ही में। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली टेक रिलेटेड वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और साथ ही जल्दी से 1K सब्सक्राइबर्स का गोल है वो हमारा कंप्लीट करा दीजिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने फायरफॉक्स को ओपन कर लेंगे। वहाँ पे हम सिंपली सर्च करेंगे गूगल क्रोम डाउनलोड। तो यहाँ पे हम सिंपली फर्स्ट वेबसाइट पे चले जाएंगे। फर्स्ट वेबसाइट पे जाने के बाद आप देख सकते हैं हमारा जो गूगल क्रोम का वेबसाइट है कुछ ऐसा दिखता है। तो यहाँ पे हम सिंपली डाउनलोड क्रोम पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप अपना जो है .deb फाइल को डाउनलोड करिएगा, जो कि डेबियन सिस्टम के लिए है 64 बिट में। एक्सा पे इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद हम यहाँ से सिंपली सेव फाइल कर लेंगे। यहाँ से हम अपना जो है डाउनलोड सेक्शन उसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फायरफॉक्स के राइट साइड में हमें 3 एरो मिल जाएंगे, वहाँ पे हमें डाउनलोड फोल्डर मिल जाएगा। यहाँ से हम सिंपली क्या करेंगे, अपने फायरफॉक्स को क्लोज कर देंगे और अपनी जो फाइल है उसको डेस्कटॉप पर ले जाएंगे। इसके बाद सिंपली हम डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करके ओपन टर्मिनल हेयर कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको सिंपली अपना जो रूट यूज़र है वो एक्टिवेट करना पड़ेगा। यहाँ पे जो हमारा जो नॉन रूट यूज़र एक्टिवेटेड है, तो हम सिंपली टाइप करेंगे sudo su और अपना पासवर्ड डाल देंगे, जिससे कि हमारा रूट यूज़र है वो ओपन हो जाएगा। और इसके बजाय आप रूट टर्मिनल भी ओपन कर सकते हैं जो डायरेक्ट 2022 में दिया गया है। इसके बाद सिंपली हम अपने डेस्कटॉप पे आ जाएंगे cd कमांड की हेल्प से। यहाँ पे आप देख सकते हैं गूगल क्रोम की जो फाइल है वो एग्जिस्ट करती है .deb फाइल जो है। तो हम सिंपली एक कमांड टाइप करेंगे dpkg --i और जो गूगल क्रोम की फाइल का जो नेम है वो। उसके बाद सिंपली आप देख सकते हैं एंटर करेंगे तो हमारा जो इंस्टॉलेशन है गूगल क्रोम का वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके लिए हम थोड़ा सा वेट करेंगे तब तक कि हमारे कंप्लीट हो जाता है। तो देख सकते हैं हमारा जो गूगल क्रोम का फाइल है वो इंस्टॉल हो चुका है। तो सिंपली हम इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने सिस्टम को अपडेट करेंगे apt-get अपडेट की हेल्प से। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और अगर आपको इस अपडेट में प्रॉब्लम आ रहा है या कोई भी आपको एरर दिखा रहा है, तो सिंपली आई बटन पर एक वीडियो का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आप अपने काले लिनक्स 2022.2 को ईजिली अपडेट कैसे कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं हमारा जो अपडेट है वो कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ से हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ से हम अपना जो टर्मिनल है उसको क्लियर कर लेंगे। इसके बाद सिंपली हमें गूगल क्रोम की फाइल को हमें एडिट करना पड़ेगा। एडिट करने के लिए हम सिंपली जो डिस्प्ले पे दी हुई कमांड है उसको टाइप करेंगे, जिसमें कि लिखा हुआ है mousepad space opt --google-chrome-google-chrome। तो यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ फाइल अवेलेबल है कि नहीं। तो देख सकते हैं जो हमारा लेफ्ट साइड बॉटम है गूगल क्रोम की फाइल अवेलेबल है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, गूगल क्रोम को टाइप कर देंगे, देन एंटर करेंगे, जो हमारा माउस पैड एडिटर है वो ओपन हो जाएगा। तो सिंपली इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, इसका फॉन्ट साइज़ भी बड़ा कर लेते हैं। यहाँ से सिंपली हम सबसे नीचे वाले लाइन पर चले जाएंगे। तो देख सकते हैं मैं सबसे नीचे आ चुका हूँ, ये लास्ट लाइन है इसकी। इसके बाद हमें सिंपली एक कमांड को ऐड करना है, मतलब कोई एक टेक्स्ट है उसको ऐड करना है जो आपका डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा। तो सिंपली उसी की तरह आप अपना जो टेक्स्ट है उसमें डाल दीजिए। यहाँ पर हम सिंपली टाइप करेंगे space --user, फिर उसके बाद डैश, फिर डेटा, फिर डैश, फिर हम टाइप करेंगे dir, फिर डैश डैश, फिर उसके बाद हम टाइप करेंगे no --sandbox। और डैश dir के बाद हमें एक स्पेस देना होगा, हमने स्पेस देना भूल गए, तो मैं उस स्पेस को दे देता हूँ। इसके बाद सिंपली हम अपनी जो फाइल है उसको सेव कर देंगे। तो सेव करने के बाद सिंपली हम इसको क्लोज़ कर देते हैं यहाँ से। देन यहाँ से आप अपना जो टर्मिनल है उसको एग्जिट कर लेते हैं। पहले रूट यूज़र एग्जिट कमांड की हेल्प से पहले रूट यूज़र को एग्जिट करेंगे, फिर हमारा जो नॉन रूट यूज़र है उसको भी हम एग्जिट कमांड की हेल्प से एग्जिट करेंगे। यहाँ पे हम सिंपली सर्च कर लेते हैं कि हमारा गूगल क्रोम इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। तो जो यहाँ पे हम सर्च का ऑप्शन आता है वहाँ पे हम टाइप करेंगे गूगल क्रोम। तो देख सकते हैं हमारा जो गूगल क्रोम है वो हमारा इंस्टॉल हो चुका है। तो यहाँ पे हमें पासवर्ड सेट करने को बोल रहा है, कॉन्फ़िगरेशन कर रहा है। तो हम यहाँ से हम पासवर्ड डाल के कन्फर्म कर देंगे, फिर नेक्स्ट ओके कर देंगे। यहाँ से देख सकते हैं हमारा जो गूगल क्रोम है सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। तो इसको हम सिंपली सेटअप कर लेते हैं। तो जैसे कि आप सभी देख सकते हैं हमारा जो गूगल क्रोम है वो सेटअप हो चुका है। यहाँ से हमारा जो साइन इन वगैरह मांग रहा है, तो इसको हम अभी नहीं करेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे 1K सब्सक्राइबर्स का गोल कंप्लीट हो सके। और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली टेक रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।